हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किसी भी नोट से आप सरगम कैसे बचाएं। जनरली हम याद कर लेते हैं, स्कूल में हमको सिखाया जाता है कि सरगम जो है वो ये है, यहाँ से ये सी शार्प जो नोट है, कीबोर्ड का वहाँ से स स्टार्ट होना है, ये सा, फिर ये रे, फिर ये एक छोड़ के ग, म, प, ध, नी, सा, ये हम याद कर लेते हैं। लेकिन मान लीजिए हमको इसको समझना है कि सरगम एक्चुअली में होती क्या है, किसने बनाई है सरगम, क्या चीज़ होती है म्यूजिक में, तो इसके लिए मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हमको याद करने की ज़रूरत नहीं है नोट्स को, क्योंकि आप याद कहाँ तक करेंगे, आप मैक्सिमम ये याद कर लेंगे, लेकिन आप सोचिए ना कि इतने सारे इसमें परमोटेशंस कॉम्बिनेशन है, इतने सारे कीज है, तो आप कैसे याद रख पाएंगे। तो मैं आपको सिंपल एक ट्रिक बता रहा हूँ उसको, किसको, सरगम को बजाने के लिए। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ से सरगम बजाते हैं। तो इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि अगर मैंने इसको स माना, माना का मतलब कि केवल एक रेफरेंस माना है, ठीक है ना। अगर मैंने इसको स माना है तो इसके अकॉर्डिंग रे क्या होगा, ठीक है। हम जो बात करते हैं वो अकॉर्डिंग यानी कि रिलेटिवली बात करते हैं। अगर ये सा है तो इसके रिलेटिव में रे क्या होगा, एक नोट छोड़ के। ओके, एक नोट कैसे, ये सा ये रे, इन दोनों के बीच में एक नोट, ये वाइट वाली नोट आ रही ना, तो ये एक नोट छोड़ के ये रे हुआ। सिमिलरली रे और ग, रे और ग के बीच में एक नोट छोड़ना है। ऐसे ही सा से लेकर हाई वाला सा, सभी में एक एक नोट छोड़ना है। केवल दो एक्सेप्शन है, वो होते हैं ग और म, नी एंड सा, मतलब कि ग और म में कोई नोट नहीं छोड़ना। सिमिलरली नी और सा में कोई नोट नहीं छोड़ना, ठीक है। तो अगर हम इस बात को ध्यान रख लें तो हम कहीं से भी किसी भी नोट से सरगम आसानी से बजा सकते हैं। सबसे पहले हम इसी से स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश में हम इसको सी शार्प बटन बोलते हैं, और हम जनरली हिंदी में इसका नाम स बोलते हैं। स स्टार्ट करते हैं जनरली यहाँ से, हम कर तो कहीं से भी सकते हैं लेकिन जनरली हम यहाँ से कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं स, इसके अकॉर्डिंग रे, रे रे कैसे बजाया मैंने, एक नोट छोड़ के, फिर ग, एक नोट छोड़ के ग, ग मा, ग और म में कोई नोट नहीं छूटा। अगर आपके पास और कोई सा इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं, आप गिटार यूज कर रहे हैं, फ्लूट यूज कर रहे हैं, वायलिन यूज कर रहे हैं, कोई सा भी है, इसमें हर चीज में सेम प्रिंसिपल है। ओके, सा रे ग नी, यहाँ पे देखिए सा और नी में कोई नोट नहीं छूटा। सा नी धा पा, ठीक है, ये तो बात हुई इस नोट से स्टार्ट करने की, सी शार्प नोट से स्टार्ट करने की। अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ से स्टार्ट कीजिए, मतलब कि इस नोट को बेस नोट मानते हुए आप सरगम बजाइए, तो यानी कि स्टार्ट यहाँ से हो रही है, तो उसका एंड पॉइंट कहाँ पे आएगा, उसी के एक एक ऑक्टेव बाद सेम पॉइंट पर, ठीक है। तो यानी ये किसका ऑक्टेव हुआ, जैसे यहाँ से यहाँ तक जा रहा था तो एक ऑक्टेव होता था, एक ऑक्टेव, फिर नेक्स्ट ऑक्टेव, ये इसका ऑक्टेव, फिर इससे पहले का ऑक्टेव एंड उससे पहले का ऑक्टेव, ठीक। तो अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, सी शार्प के बाद डी नोट आती है, डी नोट से मैं स स्टार्ट करता हूँ, तो अब देखिए मुझे मालूम है कि ग और म में एंड नी और सा में गैप नहीं देना है, बाकी सब में एक एक नोट का गैप आना है। तो अगर यहाँ से स है सा, तो इसके अकॉर्डिंग रे क्या हुआ, अब मुझे मालूम है कि रे में एक नोट छोड़ना होता है, सा, एक नोट छोड़ के रे, ठीक है, सा रे। अब ग, ग के लिए एक नोट छोड़ के ये ग हो जाएगा। अगर ये रे है तो इसके रिलेटिव में ग क्या हुआ, ये, क्योंकि इसमें एक नोट छूट गया। फिर से देखिए सा रे ग, अब म बजाने के लिए मुझे मालूम है ग और म में कोई गैप नहीं आएगा, किसी भी नोट का गैप नहीं आएगा, तो अगर ये ग हुआ तो इसके अकॉर्डिंग म क्या हुआ, म ये, ठीक है। सा रे ग म, अब म के बाद प, एक नोट छोड़ के ये नोट छोड़ के प, ये हो जाएगा। प, ध के लिए एक नोट छोड़ के द, फिर नी, नी में भी ध और नी में एक नोट छूटेगा, नी। अब नी और सा में मुझे मालूम है कोई नोट नहीं छूटना, और मुझे ये भी पता है कि अगर मैं सा यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ तो इसका हाई सा, हाई वाला सा उसी उसी लोकेशन पे अगली ऑक्टेव में आएगा, ठीक है, तो ये सा हो जाएगा। ठीक है, यहां से क्लियर हो, तो बस बेसिकली आपको दो ही चीज याद रखनी है कि एक तो ग और म में एक कोई भी नोट नहीं आएगी, और नी और स में कोई भी नोट नहीं आती है। अगर हम बात करते हैं गिटार की, तो उसमें हमको फ्रेट्स ही रहते हैं, जैसे कि कीबोर्ड है उसमें हमको सेपरेट नोट्स को सेपरेट करने के लिए व्हाइट एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन दिया गया है, कि एक व्हाइट है, इसके एक नोट का गैप देके ये ब्लैक आएगी, फिर एक गैप का, एक नोट का गैप देंगे तो ये आएगा, ऐसे ही
एक एक नोट का गैप देके दिया गया है। जैसे गिटार की बात कर रहे हो तो उसमें हमारे पास फ्रेट दी रहती है सेपरेट करने के लिए नोट्स को, तो वहाँ से हम वहाँ से पता कर सकते हैं। ओके, अगर मान लीजिए मुझे कहते हैं यहाँ से दबाइए, यहाँ से सरगम बजाइए आप, ठीक है, तो सबसे पहले आप जब भी कोई सा भी इंस्ट्रूमेंट स्टार्ट कर रहे हैं या फिर आप गाने की भी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमको हर नोट से सरगम बजाना या गाना आना चाहिए। ओके, ये ऐसा इसलिए करते हैं, अगर हम उस सरगम में, अगर हम किसी भी सरगम में बजा सकते हैं तो हम दुनिया का कोई सा भी म्यूजिक बजा सकते हैं, क्योंकि हर एक सिंगर की अलग अलग स्किल होती है और हर एक गाने के लिए अलग अलग स्केल पिच होती है, तो वो हमको ध्यान में रखते हुए हर नोट से सरगम बजाने में आना चाहिए। ओके, इसके बाद हम यहाँ से करते हैं, तो आप अपने हिसाब से अपने सोच सोच के भी बजा सकते हैं। अगर आप स्टार्ट बिगनिंग बिगनिंग लेवल पे हैं, हाँ बिल्कुल, तो धीरे धीरे सोच के बजाइए, फिर उसके बाद धीरे धीरे जब आपकी प्रैक्टिस होने लगेगी, उंगलियां चलने लगेंगी और आपके दिमाग में ये बस जाएगा कि ग और म में कोई गैप नहीं देना है और नी और स में कोई गैप नहीं देना है, तो आप आसानी से बजा पाएंगे। अब जैसे यहाँ से स्टार्ट करते हैं, अगर ये सा है तो रे क्या हुआ, एक नोट छोड़ के रे, ठीक है, फिर एक नोट छोड़ के ग, एक नोट छोड़ के उसके बाद ग, फिर ग और म में कोई गैप नहीं छोड़ना, यानी कि फिर म और प में एक नोट छोड़ के प, ये हो जाएगा। अब फिर ध प, ये है तो एक नोट छोड़ के ध, फिर एक नोट छोड़ के नी, और फिर नी और सा में कोई गैप नहीं, यानी कि मैं यहां से स्टार्ट किया था यहां पे पहुंच गया, यानी कि सही है। तो यानी देखिए फिर से, कि आपने अगर तीन नोट से बजा लिया तो आप किसी भी नोट से बजा सकते हैं, ऐसे करके करके देखते, बस दो चीजें ध्यान रखनी है, मैं बार बार बता रहा हूँ कि ग और म में गैप नहीं छोड़ना है, सिमिलरली नी एंड सा में गैप नहीं छोड़ना है। अगर मान लीजिए यहाँ से बजाना है मुझे तो इसके अकॉर्डिंग देख लीजिए आप, सा अगर ये है तो उसके अकॉर्डिंग रे क्या होगा, एक नोट छोड़ के रे, फिर ग, एक नोट छोड़ के ग, फिर म के लिए कोई नोट नहीं छोड़ना है, म ग अगर ये है तो म ही हो जाएगा, फिर प, ये नोट छोड़ के प, फिर ध के लिए एक नोट छोड़ के ये वाली नोट छोड़ के ये ध, फिर नी के लिए एक नोट छोड़ दी मैंने, फिर ये नी हो जाएगा। अब नी और सा में कोई नोट नहीं छोड़ते, तो यानी कि अगर ये नी है तो ये सा होगा। पूरा संगीत है, दुनिया का कोई सा भी म्यूजिक है, वेस्टर्न म्यूजिक, क्लासिकल म्यूजिक, पूरा सरगम पे बेस्ड है। हिंदी में हम सरगम यूज करते हैं, इंग्लिश में वो नोट्स यूज करते हैं, तो यही खेल है, मतलब आप दुनिया का कोई सा भी म्यूजिक बजा सकते हैं, ठीक है ना। और सरगम का सबसे बेसिक समझने का यही है कि आप सुन के समझिए ना, कोई सा भी गाना आप सुनते हैं, अगर आप उसको याद करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो ठीक नहीं है, आप मैक्सिमम से मैक्सिमम 4-5 गाने याद कर लेंगे, लेकिन अगर अगर आप एक बार समझ गए, सरगम का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आ गया, तो आप कोई सा भी म्यूजिक सुन के बजा सकते हैं। आपकी सबसे बड़ी शक्ति होगी वो सुनने की होगी, ठीक है, आप सुन के म्यूजिक को पहचानिए। या मान लीजिए मुझे यहाँ से बजाना है सरगम, तो यहाँ से कैसे होगा, सा अगर ये है फिर रे में एक नोट का गैप छोड़ना है, सुन के भी बजा सकते हैं, और हर नोट के बाद एक एक नोट का गैप छोड़ना है, बाकी केवल ग और म एंड नी और सा में नहीं छोड़ना है, ठीक है। आप इस तरीके से ये नोट्स डिफाइंड होती हैं, इसको हम एक ऑक्टेव बोलते हैं, यानी कि एक एक ऑक्टेव में टोटल 12 सुर आते हैं। अब जैसे देखिए 12 सुर कैसे, पहला सुर अगर हम इसकी बात करते हैं, ठीक है ना, इस सरगम की बात करते हैं, तो ये पहला सुर हुआ पहला, फिर ये रे हुआ, सा और रे के बीच में एक नोट और आता है तो वो भी सुर ही है। हम जब रागों की बात करते हैं तो इसमें ये डिफाइंड हो जाते हैं कि इस पर्टिकुलर राग में ये पर्टिकुलर नोट इस तरीके से बजाई जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से राग बनाए गए थे प्राचीन समय में, एक पर्टिकुलर समय के हिसाब से, जैसे दिन का अलग रात का अलग, तो इन्हीं सरगम से ही बनता था सब कुछ, जो भी म्यूजिक है इन्हीं सरगम से ही बना है, क्योंकि इतने सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आप जितनी हम कंपोजिशन करते हैं इन सब का अरेंज करके ही है। कंपोजिशन क्या है बेसिकली, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ नोट्स है, उनसे हम सरगम बनती है, उससे हमारे कॉर्ड्स आते हैं, कॉर्ड्स भी अनलिमिटेड कॉर्ड्स हैं, जैसे हम जो 12 मेजर कॉर्ड्स होती है इनके अलावा बहुत सारे कॉर्ड्स हैं, सेवन्थ नाइन्थ ये सब कॉर्ड्स, सस्टेन वगैरह, तो ये सब भी इन्हीं की कॉम्बिनेशन से आती है, इनकी फीलिंग से आती है कि हमको किस तरह का म्यूजिक चाहिए, किस तरह का म्यूजिक डालना है। सबसे बड़ा आपका फैक्टर है सुनने का, ठीक है। अगर यहाँ से स्टार्ट करना होगा तो मैं आपको बता चुका, तो ऐसे आप हर नोट से स्टार्ट कर सकते हैं।